आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। मनासानगर में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक विश्वविख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव महापुराण कथा की तैयारियों को लेकर आज कलेक्टर दिनेश जैन और एसपी अंकित जायसवाल के साथ आज आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। सरसमाज की उपस्थिति में प्रशासन द्वारा निर्धारित मापदंड की समुचित व्यवस्था करने की बात कही। कथा आयोजन की अनुमति को लेकर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित प्रशासन के उच्च अधिकारियों से भी बात हुई है। हम सब मिलकर धर्म आस्था के 7 दिवसीय पर्व शिव महापुराण को आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए मनाएंगे और शासन द्वारा निर्धारित मापदंड का भी पालन करेंगे। पर लेकिन दूसरी बातें होती है, इसने रोकवा दिया, उसने रोकवा दिया, फलाना कर दिया, जिसके मुंह में जैसा आया उसने कैसा गाया, सबके अपने अपने मन है। पर कथा होना चाहिए तो फिर सही समय पे सही प्रयास शुरू हुए, कुछ दिखने की व्यवस्था तो फिर उसकी व्यवस्थाएं ठीक हो गई और आज व्यवस्था शाम तक कल सुबह तक कम्प्लीट हो जाएगी तो हो ही गई, ये मान लो। तो मांग रहे थे आपसे और मांग क्या रहता है, और आवश्यक भी है कार्यक्रम करना है तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, तो ही तो कार्यक्रम करोगे, तो करोगे कैसे आप? गुरु जी आगा तो बिठाओ कटे बना, पब्लिक आएगी तो उसको बिठाओगे क्या? वही तो व्यवस्था चाहिए, व्यवस्था और क्या मांगा। और इसलिए काम करने के इच्छुक तो बहुत, लेकिन बहुत सारे काम करने वाले ऐसे हैं जो खाली पास के लिए घूम रहे हैं, पास मिल जाए कई चुनाव में सर्व लगे तो मिलेंगे कोई बात नहीं। पर मेरा निवेदन है कि बड़ी मुश्किल से ये कथा मिलती है, ये मनासा का भाग्य है, सौभाग्य है कि मनासा को ये कथा मिला। अब ड्यूटी हम सबकी है, ये उस परिवार की ड्यूटी नहीं जो कथा लेके आए या वहाँ से आम बना के आए या स्वामी बना के, ये ड्यूटी सबकी है, पूरे नगर की व्यवस्था है, पूरे नगर को इसमें जुड़ना पड़ेगा। नगर के बाहर से मंसूर तक से सब जगह से अलग अलग नगर से अन्य शहरों से लोग आके आपकी मदद कर रहे हैं, तो फिर मनासा नगर की तो ड्यूटी बनती है कि हम अपनी व्यवस्था करें। सबसे पहली ड्यूटी तो मनासा वालों की, और इसमें सबको लगना पड़ेगा बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी मन मुटाव के, बिना किसी कलेश के, ये काम अच्छी तरह से निपटे और सब लगेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी तरह से निपटे। मदन जी ने बहुत अच्छी अभी सारी व्यवस्थाएं बताई है, पर इन व्यवस्थाओं पे अमल भी होगा, जिन लोगों ने जिस काम के लिए हाँ भरी है वो उस पर अमल भी करके शाम को रिपोर्ट दे। आज शाम को जो बैठक होने वाली है उसमें रिपोर्ट भी चाहिए कि हाँ उसने ये व्यवस्था कर ली है या उसकी बात हो गई है या स्थितियाँ तैयार है या व्हाट्सएप ग्रुप तैयार है, तो जो भी ये सूचना है दिनभर में सब तय करके और शाम को रिपोर्ट बना के हर व्यक्ति जिसको जिसको जो जवाबदारी मिली है वो अपनी जवाबदारी निभाते हुए, क्योंकि अब दिन तो बजे 3 हमारे पास और आज और कल ही तैयारी कर पाएंगे, परसों तो अपने को बाकी व्यवस्थाएं करना पड़ेगा, इसलिए 2 दिन सिर्फ हमारे पास आज और कल का ही है, तो सारी व्यवस्थाएं करके और हम सब जवाबदारी से इस काम को संपन्न कराएं। मेरी शुभकामना है, मैं तो खैर लगा ही हूँ, जितनी मेहनत जितनी मदद जहाँ करना थी जिस स्तर पर करना थी मैंने अपने स्तर पर की है, और बाकी सहयोग तो चूंकि मेरा ऑपरेशन हुआ रखा है इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन अब कल से निरंतर रोज आना होगा और आपकी व्यवस्था में लगेंगे। शाम की बैठक में फिर मिलते हैं, आप सब कुछ